सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर ने कहा है, हर बिनु भरम बिगुरचन गंदा, जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। योगी कहें योग है नीका, द्वितीया और न भाई, नंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिन कहु कहाँ सिद्ध पाई। ज्ञानी गुड़ी सूर कविताता, ई जो कहें बड़ हम ही, जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तब ही। बाएं दहिने तजु बिकारा, निज के हरिपद गैया, कहें कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। ये बीजक का एक शब्द है। हरि बिन भरम बिगुरचन गंदा, हरि के ज्ञान बिना, हरि के मिलन बिना, हरि में लीनता बिना, आदमी भ्रम में, बिगुरचन यानी उलझन में और गंदगी में पड़ा। कबीर साहब ने सगुण उपासकों के नामों को आदर दिया है और उसमें अपना उन्होंने अर्थ दिया है। हरि, विष्णु, सारंगपाणी, राम, रघुराई तक का उन्होंने आदर किया। इसीलिए कुछ सगुणोपासक मान लेते हैं कि कबीर ने अवतारवाद का जो खंडन किया है वो ऊपरी तौर पर है, वे मूलतः अवतारवाद मानते हैं, लेकिन उनकी गलती है ऐसा सोचना। कबीर साहब उदार हृदय के थे, सबके शब्दों को, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने गौर आया, अल्लाह राम करीमा केशो हरिहजरत नाम धराया, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुर पीर हमारा। तो कबीर साहब सबके शब्दों को आदर देते हैं लेकिन उसका वैज्ञानिक अर्थ देते हैं। हरि शब्द सगुण उपासकों का है, हरि विष्णु को कहते हैं, लेकिन हरि शब्द वेदों में भी है। वेदों का हरि सूरज की किरणें हैं, हरि का अर्थ अश, अश सूरज की किरणें। विष्णु शब्द वेद में है और उसका अर्थ होता है सूरज। इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे, यहाँ विष्णु चले तीन कदम रखे, उनके पैरों की धूल से सारी सृष्टि ढक ढक जैसी गई। इस प्रकार वह विष्णु के विषय में वेद में, बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, अब नाटक मत करो, वेद में विष्णु का अर्थ सूर्य है, हरि का अर्थ सूर्य की किरणें हैं, कुल मिलाकर के सूर्य। लेकिन आगे चल करके हरि का अर्थ विष्णु परक हुआ, जो विष्णु एक सगुण साकार चतुर्भुज रूप में पुराणों में आया है, किंतु आध्यात्मिक महापुरुषों ने हरि का अर्थ अंतरात्मा माना। विष्णु हरि है और विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है जो प्रवेश करे, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, जो प्रवेश करे वो विष्णु है, सब घट में जो प्रविष्ट है वो विष्णु है। दो सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन, जड़ में उनके नियम प्रविष्ट हैं और चेतन में ज्ञान, ये दोनों की पहचान ठीक से हो जाए तो भ्रम और विगुरचन और गंदगी मिट जाए। आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक चिंतन कम होता है, परंपरा और फिर उसके साथ चमत्कार। चमत्कार ने तो अध्यात्म और धर्म को पूरा का पूरा चौपट कर दिया है और जितने चमत्कार हैं केवल झूठाई है, केवल झूठाई, चाहे वो किसी के नाम से चमत्कार लगाए गए हों, नाम लेने की आवश्यकता नहीं।
दुनिया में किसी भी महापुरुष के विषय में चमत्कार लगाया गया है वो सब टोटली झूठ है। कबीर साहब ने इसका खंडन किया है, तो कबीर प्रेमियों ने कबीर के लिए इतना चमत्कार लगाया है कि सबके चमत्कार फीके हो गए हैं। ये चमत्कार धार्मिकों का धंधाबाजी है। चमत्कार से धनजन ज़्यादा बढ़ता है, यहीं पर अगर चमत्कार का प्रचार किया जाए तो ये कक्ष तो कुछ भी नहीं है, बड़े मैदान में बैठना पड़ेगा। हमारे गुरुजी रिद्धि सिद्धि देते हैं, क्या नहीं वो कर सकते। निपुत्री को पुत्र दे सकते हैं, रोगी को निरोग कर सकते हैं, मुकदमे में विजय करा सकते हैं, परीक्षा में पास करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिद्ध पुरुष हैं। जो भयंकर भीड़ होगी वो पैसा बरसेगा, लेकिन गुरुजी सड़ेंगे, और इसीलिए चमत्कारी बाबा सब सड़ते हैं। ऊपर चमक दमक बहुत है लेकिन वो सड़ते हैं। चमत्कार का मतलब झुठाई, धंधेबाजी, धूर्त फंसाते हैं, मूर्ख फंसते हैं चमत्कार में। और इसमें अध्यात्म चौपट हो जाता है, धर्म चौपट हो जाता है। अगर हम तथ्यपूर्वक जड़ और चेतन का निर्णय करें और चिंतन करें और विचार करें तो यथार्थ ज्ञान होगा, सारा भ्रम कटेगा, सारी उलझन कटेगी, सारी गंदगी कटेगी। हर बिन भ्रम बिगुर चन गंदा, जहाँ जहाँ गयो अपनपो खोयो ते फंदे बहुफंदा। साहब कहते हैं तुम हरि के ज्ञान के बिना जहाँ जहाँ गए अपनपो खो दिए, अपने सत्व को खो दिए, अपने आपा को खो दिए, अपने बोध विचार शांत स्थित आनंद को खो दिए। जहाँ जहाँ गयो अपनपो खोयो ते फंदे बहुफंदा, और उसी फंदे में स्वयं उलझ गए। जड़ और चेतन दो सत्ताएं हैं, जड़ में जो नियम है वो विषय है, और प्राणियों में जो चेतन आत्मा है वो विषय है। एक विश्व जानने योग्य है और एक विश्व जान करके उपासना करने योग्य है, इस भेद को समझिए। एक विश्व जो नियम है, वेद में इसको ऋत कहा गया है, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हैं, ऋत नाम नियम, नियम के तागे सब तरफ फैले हैं, उसको समझो। और दूसरा विश्व अंतरात्मा है जो ज्ञान स्वरूप है, ये उपासनी है, जानना भी है उपासना भी करना है। एक में तो जान लो फिर सब भ्रम कट जाएगा, और दूसरे में जान करके उसकी उपासना और साधना करना पड़ेगा। जड़ प्रकृति के नियमों को समझे तो भ्रम कट जाएगा, पानी कैसे बरसता है। धार्मिक कहलाने वाले लोग यही कहते हैं कि भगवान बरसाता है। भगवान का अर्थ होता है कोई चैतन्य सत्ता जो जानती है समझती है, जिसमें कृपा और कोप करने का बल है, वो पानी बरसाता है। तो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? ठीक से बरसाए, अधिक न बरसाए, कम न बरसाए, अवर्षण न करे, कहीं कहीं सूखा का सूखा, देश देश जल जाता है, पशु तक को चारा नहीं, और कहीं कहीं इतनी वर्षा कि गांव का गांव डूब जाता है, प्रायः बिहार बंगाल डूब जाता है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा डूब जाता है, राजस्थान गुजरात झुलस जाता है। क्यों? कोई चैतन्य सत्ता बरसाए, जानबूझ करके बरसाने वाला बरसाए तो खेत में बरसाएगा, सड़क में नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क में लोग चलते हैं कीचड़ हो जाता है, तो सड़क में नहीं बरसाएगा, खेत में बरसा देगा। पानी बरसने के जितने कारण हैं वो जड़ हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनकी योग्यता होती है बस पानी बरसता, नहीं तो नहीं बरसता है। इस चीज को आज के युग में पढ़े लिखे लोग भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनका देवता धराशायी हो जाएगा, फिर किस काम का जो पानी न बरसाए। देवता को उन्होंने बनाया पानी बरसाने के लिए,
और पानी जड़ प्रकृति बरसाती तो देवता क्या करेगा फिर? अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो भौतिक विज्ञान में निष्णात माने जाते हैं, पदार्थ विज्ञान में, प्रकृति विज्ञान में, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के कक्षा में पढ़ाएंगे, पानी इन प्राकृतिक जड़ कारणों से बरसता है। और जब घर में होंगे और पानी नहीं बरस रहा होगा और धान सूख रहा होगा तो कहेंगे भगवान पता नहीं क्यों नाखून से पानी नहीं बरस रहा। कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया है कि पानी बरसने के सारे कारण जड़ प्रकृति के नियम है। भूचाल कैसे आता है? भगवान भूचाल लाता है। शेषनाग का फण दुखने लगता है तो दूसरे फण पर पृथ्वी को करते तब भूचाल आता है। नादिया बैल अपने सिंह पर रखे है पृथ्वी को, जब दूसरी सिंह पर बदलता है तब भूचाल आ जाता है। पाताल में परियां हैं, जब वो जोर से नाचती हैं तो भूचाल आ जाता है। और पौराणिक तमाम कथाएँ हैं, जो पौराणिक कथा नहीं मानते वो कहते हैं ईश्वर, ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी ऐसी है कि हजारों हजारों लोगों को मार डाले और धन जन से विहीन कर दे। भूचाल का कारण जड़ प्रकृति का है। पृथ्वी में पानी की धारा है और आग भी है, इसीलिए कहीं कहीं ज्वालामुखी फूटता है। आग और पानी के बीच की दीवार अगर कटती गई पानी के दरेरे से, और कटते कटते दीवार कट गई तो अरबों टन पानी सिकंडों में आग में पहुंचा और भाप बन गया, पृथ्वी डगमगा गई। और भी कारण हो सकते हैं इसके विषय में, तो उसके विशेषज्ञ समझें, लेकिन ये पक्का है पानी बरसने, भूचाल आने के सारे कारण जड़ प्रकृति के हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, गगन समीर अगिन जल धरणी, नाथ सहज इनकड़ जल करणी। गगन समीर हवा, अगिन जल और धरणी, हे नाथ इनकी सहज जड़ करणी है। हवा चलती है, ज्ञान से नहीं चलती है, प्रकृति के दाब से चलती है। पानी बरसता है, ज्ञान पूर्वक नहीं बरसता, वो बरसता है जड़ प्रकृति का नियम है, बरस रहा, चाहे अच्छा हो चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। आग जलती है, आग को देवता मानते हो, आग घर में आग लगे हाथ जोड़ के खड़े हो, हे अग्नि देवता क्षमा करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और उनको तृप्त करने के लिए आप उसमें घी और अच्छत भी डालो, स्वाहा स्वाहा, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ। आग और बढ़ेगी और विध्वंस होगा। तो सुख से नहीं जीता है एक सप्ताह तक, जब तक वो करते हैं रोज 60-60, 70-70 मन घी मेवे और जौ फूके जाते हैं। तो ये सब समझदारी का अभाव, आज के युग में हो करके समझने की चेष्टा नहीं। जानवर काट करके हवन किए जाते थे और उसी को पंडितों ने समझाया कि नारियल का हवन करना काफी है, मानो जानवर का हवन हो गया, इसलिए नारियल को स्थान दिया गया, तो ये सुधार हुआ। इसी प्रकार और सुधार की आवश्यकता है, हमारी परंपरा है तो ठीक है, कोई मांगलिक कार्य में थोड़ा सा हवन कर ले, एक आध किलो सामान मांगलिक द्रव्य हवन कर ले, हो गया, और बाकी चीज पब्लिक को खिलाएं। आज भी गरीबी है, आज भी लोग दुख में हैं, जठराग्नि में हवन करो। गीताकार ने इसीलिए कहा है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, भूत यज्ञ श्रेष्ठ है। भूत नाम प्राणी, प्राणियों की सेवा करना यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ, जैसे यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही, ज्ञान यज्ञ है। गीताकार ने काफ़ी समीक्षा की है, उन्होंने तो यज्ञ करने वालों को काफ़ी फटकारा है। और उपनिषदों में इसकी चर्चा खूब है, मुंडक उपनिषद में तो खूब प्रगाढ़ रूप से खंडन किया गया है। दंद्र में माना मड़िए इमर पर्यंत मूढ़ा, अंधे नियोनी माना यथा अंधा है, अंधे जैसे अंधे को चलाएं तैसे ये लोग एक के पीछे दूसरे लोग लगे हैं, विचार कुछ नहीं करते। विवेकवान बनो, प्रकृति के सारे कर्म उनके नियमों से चलते हैं, उनमें कोई चेतना नहीं है। हवा चलना,
आग का स्वाभाविक जलना, भूचाल आना, पानी बरसना, या पेड़ पौधों का उगना, पर्वत का बढ़ना, झरने का चलना, नदियों का बहना, चांद सितारे का चमकना, ये छह ऋतुओं का परिवर्तन होना, ये जड़ प्रकृति के नियमों से चलते हैं। और इनके नियम को हम विश्व कह सकते हैं। ऋत, ऋत शब्द है और वही विश्व है, प्रविष्ट है उसमें, सब में। इस नियम को समझे तो भ्रम नहीं होगा, भूत प्रेत का भ्रम, जादू टोना का भ्रम, जंतर मंतर का भ्रम। भूत प्रेत खड़े हो गए जानवर के रूप में, बैल बन गए, फिर घोड़ा बन करके भाग गए। बैल और घोड़ा बनने में समय लगता है, नर मादा सम्मिलित करके गर्भाधान होता है, गर्भ महीनों टिकता है, तब बच्चा पैदा होता है। तो वर्षों में बैल बनता है, वर्षों में घोड़ा बनता है। झट से कैसे बैल और घोड़ा बन गए, और बन गया तो उड़ कहाँ गए? ये केवल बहम है, जड़ के निर्णय का ठीक से बोध नहीं है। नियम कैसे है निर्माण का, जड़ और चेतन का नियम क्या है? भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, और इसकी विडंबना बहुत है पुराणों में, ग्रंथों में, अथर्ववेद तक में भरा है। जो उस समय के जमाने में प्रचलित था अथर्ववेद में, वो मंत्रबद्ध हो गया है। इसीलिए बारंबार ये कहा जाता है कि पुस्तकों के वचनों पर निर्णय करो, सार क्या है, असार क्या है। और पुरा काल में ऋग्वेद के ऋषि ने ही कह दिया था, सप्तमे उतुतना परंतु यत्र धीरा मनसा वाचम कर, सप्तम इव तितूना, सतुआ की तरह चालो, मन से वाणी को, विवेक से वाणी को छानो, सार क्या है, असार क्या है। कबीर साहब ने कहा सूप स्वभाव बनो, सार सार को कह रहे थोथा देव उड़ाए। हम इसलिए न मान लें कि हमारी पुस्तक में लिखा है, पुरानी पुस्तक में लिखा है, प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है, मान्य पुस्तक में लिखा है, मान्य लोगों ने कहा है, बड़ी जनसंख्या कहती है, पुरानी परंपरा कहती है, इसलिए न माने। यथार्थ को माने, अयथार्थ को छोड़े। विज्ञान युग कितना आगे बढ़ गया है, धार्मिक लोग अभी भी पोगा पंथी लिए चिपके बैठे, अंधविश्वास रूढ़ काल्पनिक बातें थोप रहे हैं, जादू टोना जंतर मंतर, मंत्र से शब्द सिद्ध करना चाहते हैं। मंत्र तो शब्दों का एक समुच्चय है, और उससे बिच्छू सांप नहीं बन जाएगा, सांप बिच्छू नहीं बन जाएगा, और चीटी लाल चीटा काला चीटा नहीं बन जाएगा, मंत्र से कुछ नहीं बनता है। मंत्र कोई सार्थक मंत्र है, उसके अच्छे विचार हैं, तो उससे अच्छे विचार ग्रहण करो। अंग फड़कने से हान लाभ कुछ नहीं होता, चाहे बायां फड़के चाहे दायां फड़के, छूछा और भरा घड़ा देखने से कोई हान लाभ नहीं, किसी को टोक देने से कोई नुकसान नहीं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस दिशा में जिस दिन जाओ कोई चिंता मत करो, सब दिशाएं मंगल हैं, सब दिन मंगल हैं, सब तिथियां मंगलमय हैं। अंधविश्वास से ऊपर उठो, जड़ चेतन का निर्णय ठीक से समझ में आ जाए, ये सारी भ्रांतियां उड़ जाएंगी। जड़ प्रकृति में उनके नियम विश्व है, और उसी से उसका कार्य संपादित होता है। सर्वत्र द्रव्य और गति है, गति ही द्रव्य की शक्ति है। गति ना हो तो कुछ नहीं होगा, द्रव्य अपनी गति छोड़ दे तो संसार शून्य हो जाएगा। द्रव्य में गति है, गति से निर्माण और विनाश ये दोनों फलते हैं, और उसमें कोई देवता को देखना असमीक्षा है, कोई समाधान फिर नहीं कर सकते हैं। क्यों पानी बरस रहा है और सबको बूढ़बाड़ा में डाल रहा है, क्यों सूखा पड़ गया, क्यों भूचाल आ गया, देवता ऐसे क्यों कर रहा है, कोई समाधान नहीं। बस मान लिए और चल रहे हैं, विचारवान बनो। आध्यात्मिक हरि सब घट में बैठा है। एक महात्मा मस्त मौला थे, वो रोटी खा रहे थे, उनके पास कुत्ते बैठे थे, कुत्तों को भी रोटी देते जा रहे थे, अपना भी खा रहे थे, कुत्तों को भी देते जा रहे थे। नौजवान आए हंसने लगे, नौजवानों को हंसी ज़्यादा आती है,
तो उन्होंने कहा विष्णु परिस्थित हो विष्णु विष्णु खादित विष्णुवे कथम हससरे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत विष्णु विष्णु के पास बैठे हैं विष्णु विष्णु को खिलाता आए विष्णु तो क्यों हंसता है सारा संसार विष्णुमय है ये देखो इतने बैठे हैं सब विष्णु भगवान हैं विष्णु जो सब घट में बैठा है मेरी एक पुस्तक है विष्णु और वैष्णव कौन एक प्रवचन का ये लिखा हुआ है पुस्तकाकार हो गया छोटा सा पता नहीं इसमें है कि नहीं विष्णु और वैष्णव कौन विष्णु जड़ क्षेत्र में जड़ के नियम है और प्राणी क्षेत्र में आत्मा है जड़ क्षेत्र के नियमों को समझने भ्रम कट जाएगा फिर कुछ नहीं करना है उसके विषय में लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें आत्मा रूपी विष्णु को समझ करके साधना करना है अब इस पर आए अंतरात्मा विष्णु है सबके अंदर में जो प्रविष्ट है वो विष्णु है इस विष्णु को समझो अंतरात्मा को समझो आप देह नहीं है आत्मा है और तीनों काल में है सदा है अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबना अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है विवेक चूड़ामणि यहाँ मंगाए होंगे तो आ गई होगी स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं ये इसका नाम है तथागत बुद्ध क्या कहते तो पहले आ गया है स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं ये भी आ गया है स्वामी शंकराचार्य का ये वचन है अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा अस्ति है कश्चित कोई अस्ति अस्ति कश्चित स्वयं खुद सेल्फ अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम नित्यम सदा अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन अहम मैं प्रत्यय बोध लंबना आधार अहम बोध का आधार मैं बोध का आधार मैं खाता हूँ जाता हूँ आता हूँ काम करता हूँ मैं इस बात को मानूंगा मैं इस बात को नहीं मानूंगा जो मैं रात दिन करता है उस मैं तत्व का जो अहम बोध है अपने आप का बोध है उसका आधार कौन है अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम स्वयं नित्य सत पदार्थ है स्वयं भी इसीलिए स्वामी जी कहते स्वयं वो खुद है तुम खुद हो मैं का बोध जिसको होता वो खुद आप हैं आप ब्रह्म हैं स्वामी शंकराचार्य ने कहा आत्मा ब्रह्म है जीवो ब्रह्म ही ना परा उपनिषद के ऋषियों ने पहले ही कहा वेद में भी ये बात आती है आप ब्रह्म हैं विश्व हैं महान हैं श्रेष्ठ हैं अपने को समझें अपने को न समझ करके गंदगी में हम पड़े ईर्ष्या करते हैं द्वेष करते हैं क्रोध करते हैं काम में लिप्त हैं लोभ मोह में जल रहे हैं गृहस्थ के लिए केवल एक दो संतान के लिए नर नारी का संबंध होना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो यही है आजकल तो कितने समझदार केवल एक बच्चा पैदा करते हैं फिर नहीं गर्भाधान के लिए केवल नर नारी का संबंध है इसीलिए जानवरों में गर्भाधान के लिए ही संयोग होता है गाय घोड़ी कोई भी जानवर है गर्भाधान के लिए संबंध करती बस आदमी महालंपट है ये अपने को डुबाता है काम वासना से अपने को बचाओ इसमें अपने को छीड़ न करो तृप्ति नहीं होगी बोलते होते कभी तृप्ति नहीं होगी तृष्णा और बढ़ेगी काम वासना पर विजय करो ब्रह्मचारी बनो संयमी बनो घर में रहते हुए संयमी बनो काम वासना पूरी नहीं होगी क्रोध भपकेगा काम वासना केवल दैहिक संबंध मात्र नहीं है जहाँ तक तृष्णा है संसार की सब काम है और तृष्णा जब तक चित्त में है क्रोध नहीं जा सकता है और द्वेष नहीं जा सकता है क्रोध द्वेष का त्याग करो और ये काम वासना को छोड़ने से होगा हमें लोग अच्छा माने यही कामना हमें न चाहिए
हमारी बात मानी जाए, हमारी आज्ञा में सब चलें, जो हमारी आज्ञा में नहीं चलेगा और ठीक नहीं होगा, ये अहंकार न करो, विनम्र रहो। घर में आप सेवक हैं, सेवा कीजिए, मालिक नहीं मानिए, सेवक, आप सेवक हैं, सेवा कीजिए। कोई अवज्ञा कर दिया तो विनय से उसको समझाइए, अहंकार न करो, क्रोध न करो। प्रेम विवाह आजकल बहुत चला है, प्रेम विवाह थोड़ा ही निपटता है और नरक विवाह होता है, अधिकतम प्रेम विवाह नरक विवाह होता है। जवानी में ऊर्जा अधिक, आकर्षण अधिक, और एक दूसरे के प्रति मोह गए, विवाह कर लिए, पीछे हकीकत में पहुँचे तो पीड़ित हुए और भटके और दुख पाए। अहंकार इतना बढ़ गया है, संगठित परिवार में रहने की इच्छा ही लड़कियों की शून्य जैसी होती जा रही है। लड़कियां ससुराल में आएंगी, अपने पति के कान में तेल डालेंगी कि अलग हो। एक डॉक्टर, छोटा डॉक्टर गांव का नवयुवक, मुझसे कहा, महाराज मेरी शादी 1 साल हुए हुई, और कहती है कि तुम जहां पर डॉक्टरी करते हो वहीं हमें ले चलो। और 10-15 किलोमीटर दूर पर था, रोज जाता था, आ जाता था, और कहती है कि 10 लोग घर में हैं, 10 लोग का भोजन बनाना और सफाई और झंझट और सबका सहना, जहाँ तुम हो वहीं चलें, 4 रोटी बना लें, बस मियाँ बीवी खा लें, झंझट खत्म। तो साहब मैं क्या करूँ? मैंने कहा उसको समझाओ, जब उसका लड़का जवान होगा और उसकी बहू ऐसे सिखाएगी तो उसको कैसे लगेगा। तो मैंने कहा तुम क्या वहाँ कुछ किए हो? कहे एक जमीन खरीदा हूँ। तो कह दो अभी जमीन खरीदा हूँ, तो 1 बरस नींव डालो, 1 बरस दीवार बनाओ, 1 बरस छत डालो, 1 बरस सफाई करो, 5-6 बरस ऐसे घसीट ले जाओ। तो सामूहिक परिवार में रहते रहते हो सके सत जाए और कुछ समझ आवे। तो हंसने लगा, पीछे क्या किया है तो मुझे पता नहीं। लेकिन आज कल पढ़ी लिखी लड़कियां सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, किसी की नहीं करना चाहती, बस मियाँ बीबी, और अंत में मियाँ के ऊपर भी पैर रखना चाहती हैं और मियाँ बीबी के ऊपर, क्योंकि सबको अहंकार है। तो इसमें जलने के सिवा कुछ नहीं। प्रेम करना सीखो, सामूहिकता में रहना सीखो, सेवा करना सीखो, सफाई स्वच्छता, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा स्वाध्याय और साधना, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। नौकरी आप करते हैं तो वहाँ पर ड्यूटी कस के बजाइए, आपका चित्त शुद्ध होगा और आपके अफसर खुश होंगे, मातहत खुश होंगे और आपका मन प्रसन्न होगा। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अपने मन इंद्रियों पर संयम के लिए साधना कीजिए। सेवा हर जगह जरूरी है। पारिवारिक संगठन टूट रहा, अहंकार बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ी, धन का विकास बढ़ा, ऐश्वर्य सबके पास तो नहीं है, लेकिन टीवी में तो ऐश्वर्य की चमक दमक की छाया देख लेते हैं, उससे चित्त उलझता है और आकर्षण बढ़ता है, मोह बढ़ता है और दिमाग खराब होता है, नशा बढ़ रहा है। नशा का एक एक प्रकार का सेवन, कुछ व्यापारियों का ऐसा दल है कि उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए। शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, तंबाकू की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सरकार की तो मजबूरी है, वो शराब का लाइसेंस देगी, गली गली में शराब की दुकान, और फिर सरकार एक कोने एक नशाबंदी का भी खोल देगी, और एक भाई नशाबंदी के लिए ये हैं, दिखावा करेगी। तो सरकार की अपनी मजबूरी है, हमें अपने को संभालने की आवश्यकता है। नशा से बचो, मांस अंडा का कितना विस्तार हुआ है, इससे बचो, आहार विहार को पवित्र करो, समूह में रहना सीखो, सेवा करना सीखो। सेवा से जितना वंचित होगी बुढ़ापा आपका दुख से भर जाएगा। आप बहुत बड़े रैशनल बनते हैं, तर्कशील, आपके बच्चे और आपसे पागल बनेंगे, जितना आप पागल हैं उससे ज़्यादा पागल बनेंगे, अब आपको रुलाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दामाद को बहकाते हैं और लड़की दामाद को अलग करते हैं, और उन्हीं का
अगर लड़का है और उसके ससुर वाले वहाँ कहेंगे तो उनको पीड़ा होगी। और दुनिया में एक चक्र है, सबके ऊपर आने वाला है। विलासी भावना बढ़ रही है, जितनी विलासी भावना बढ़ेगी, भोग की भावना बढ़ेगी, उतनी हिंसा हत्या दुराचार बढ़ेगा। हिंसा केवल मार डालना नहीं है, अशिष्टता का व्यवहार महाहिंसा है, कटु बोलना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अगले से मानो करते धरते नहीं बना तो समझा दो। द्वेष बनाए बैठे हो, उसको कटु कह रहे हो बारंबार, अपना मन गंदा कर रहे हो, उसको भी तकलीफ दे रहे हो। आपस में सुधार की आवश्यकता होती है, आपस में सुधार करो, प्रेम का बर्ताव करो, समता का बर्ताव करो। सबके अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा वो हरि है। हरि बिन भ्रम विगुरचन गंदा। हरि का ज्ञान बिना लोग भ्रम में, विगुरचन में और गंदगी में पड़े हैं। जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो ते फंदे बहु फंदा। साहब कहते तुम जहाँ जहाँ जाते हो अपन पो खो देते हो, अपना सत्व, अपनी शांति, अपनी तृप्ति, अपना आनंद खो देते हो। ललचाना अपने को नीचे गिराना है। किसी के मकान, किसी की गाड़ी, किसी का पैसा, किसी का वैभव, किसी का ऐश्वर्य, किसी की मान बढ़ाई, किसी की प्रतिष्ठा देखकर ललचा गए तो नरक में गिरे। आप बादशाह हैं, इच्छा को जीतें, मेहनत करें और मेहनत में जो मिले वो आपका बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। झोपड़ी है आपका, राजमहल है, भात नमक है, सब प्रकार का व्यंजन है। मार्क्सवादी इसमें बुरा मानेंगे, वो कहेंगे साधु लोग तो यही तो सुहाते हैं कि जो धनी लोग हैं इनके तरफ लालच मत करो, इनका विरोध मत करो, वो तो आग लगाते हैं, आग लगा करके सबको बराबर करना चाहते हैं। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। अध्यात्म कहता है धनियों को अच्छा नहीं मानता जो जमाखोर हैं, उनकी भी निंदा करता है। लेकिन अंततः बात तो साधना की व्यक्तिगत है। अपने मन में संतोष नहीं लाओगे और दूसरे को देख करके जलोगे तृष्णा में तो दुख के सिवा क्या पाओगे। ये साधना का पक्ष है। ये जो कॉलेज चल रहा है हमारा, ये आध्यात्मिक है, साधना का है, ये मार्क्सवाद का नहीं है। मार्क्सवाद का अपना चिंतन सही है, मैं समाजवाद खुद मानता हूँ और मार्क्स का चित्र भी मैं अपने आश्रम में टांगा हूँ, एक महान ऋषि थे। लेकिन वो अध्यात्म को बिल्कुल छोड़ देने से निष्फल विफल भी हैं। अध्यात्म की आवश्यकता है, इस पर विशेष चिंतन और निर्णय करने के यहाँ अवसर नहीं। अपने नमक भात में संतोष रखना शांति का यही रास्ता है। वो अलग विषय है कि जिनके पास ज़्यादा है लूटो और खाओ और बांटो, ये प्रसंग यहाँ नहीं। जो अपने पास है संतोष करो। मार्क्सवाद में भी जहाँ समाजवाद है वहाँ भी समता और प्रेम की ही जरूरत अंत में पड़ती है। वहाँ भी ऊंच नीच होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, चपरासी भी होते हैं, यद्यपि उनके कई विधान बहुत अच्छे हैं। और विधान इसीलिए नहीं चल पाते हैं कि आदमी ज़्यादा भोगी है। मार्क्सवाद का मूल चिंतन बहुत सही है। तो अपने पास जो हो उसमें संतुष्ट रहो, संयम से रहो, आपकी बादशाहत आपकी तृप्ति है, आपका स्वरूप निर्मल है, क्षय उसका नहीं है, विनाश नहीं है। शरीर क्षण क्षण गलता है, आप गलते नहीं हैं। शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हैं। शरीर मिट जाएगा, आप मिटेंगे नहीं। आज आप आज ही नहीं हैं, कल भी थे, परसों भी थे, 10, 20, 25 वर्ष पूर्व भी थे, इसी प्रकार इस शरीर के पहले भी थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। जो है वो नहीं कहाँ हो जाएगा और जो नहीं है हाँ कैसे हो जाएगा। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं, ये दोनों न बनते हैं न बिगड़ते हैं। जड़ विकारी है, उन तत्वों में परिवर्तन होता है, निर्माण विनाश होता है। चेतन निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, वो आप ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है। देह और देह की बुद्धि मान करके सारी तकलीफ है। देह बुद्धि को जीतो, अपने को शुद्ध आत्मा समझो, शुद्ध चेतन समझो, निर्विकार समझो। शरीर गलता है, गलने दो, तो प्रकृति का विधान है। वासना को गलाओ, तृष्णा को गलाओ,
वासना के छह से शांति मिलेगी। जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो ते फंदे बहु फंदा। योगी कहें योग है नहीं का द्वितीय और न भाई। साहब कहते योगी कहते योग ही अच्छा है, दूसरी साधना कुछ नहीं। नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, कोई नुंचित बाल को उखाड़ने वाला है, कोई मुंडित बाल मुड़ाने वाला है, मौनी कोई बना हुआ है, कोई जटाधारी बना हुआ है। साहब कहते हैं इन बाहरी बातों से किसने शांति पाई है। ज्ञानी गुड़ी सुर कविदाता ही जो कहें बड़हमी, कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्रों का विद्वान है, कोई गुणी है, तमाम कला की बात जानता है। ज्ञानी गुड़ी सुर, कोई शूरवीर है, बहुतों को परास्त कर देता है, कोई कविता लिखने में तेज है। ज्ञानी गुड़ी सुर कविदाता, कोई दान करता है। ये जो कहें बढ़ा मही, ये कहते हम ही बड़े हैं। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तबही। ये सब जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वहीं में डूबे हैं, सारा ज्ञान इनका बेकार है। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, ये ध्यान देने योग्य है। कहाँ से उपजे हैं सब? विषय वासना से। विषय वासना के बस होकर के जीव देह में आया है। विषय वासना न होती तो न आता। कहीं का आकर्षण ही वहाँ हमें ले जाता है। जीवन में आदमी चलता है और पांचों विषयों में डूबा रहता है। काल आता है और शरीर से भी योग करा देता है, लेकिन विषयों की वासना चित्त में अवशेष है। वासना जीव को फिर खींच करके गर्भ में लाती है और फिर भटकाती है। वासना के बस होकर के जीव नाचता है। साहब कहते तहां समाने, उसी में फिर समाए हो। वही वासना, बहुत पढ़े हो, काम कीचड़ को नहीं जीत पाते हो, क्रोध लोभ मोह को नहीं जीत पाते हो, तो पढ़ने से क्या होगा? बड़े ज्ञानी हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े कलाकार हो, और बहुत बहुत बाहरी पाखंड है, दिखावा है, लेकिन तृष्णा नहीं मिटी है। पढ़ना गुनना चातुरी और वो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना गुनना और चतुरता दिखाना सरल है, लेकिन इंद्रियों को जीतना, मन को वश में करना, ये आकाश पर चढ़ने के समान मुश्किल है। मुश्किल है एक तरह से कथन है, मुश्किल नहीं है, सरल है। भोग असंभव है, त्याग सरल है। भोग हमने की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भोग के पदार्थ उतने नहीं हैं। पदार्थ हैं तो इंद्रियां सशक्त नहीं हैं, सशक्त हैं तो भी शिथिल हो जाती हैं, फिर उम्र खत्म हो जाती है। सहायक भोग के नहीं रहते हैं, भोग पदार्थ भी नहीं रहते हैं। अंततः भोगी आदमी को निराशा में जाना है, ये पक्का है। भोगी आदमी को दुनिया से निराश होना है, और जो भोग का त्याग कर देता है वो रस से भर जाता है, निष्काम तृप्त आनंद में, सब समय आनंद में। बाहर का रस सूखा तो भीतर का अजर रस झरने लगता है। बाहर की विषय वासना फीकी लगी तो आत्मरस का आनंद में डूबा हुआ इंसान सदैव तृप्त रहता है। तो साहब कहते हैं जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तबही। ये सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग विषय वासना से जन्मे हैं और विषय वासना में डूबे हैं, तो इनका ज्ञान किस काम का है? तो किसी ने कहा महाराज आपने तो सब खंडन किया, रास्ता तो बताइए, रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा रास्ता बहुत सरल है। बाएं दहिने तजु विकारा, निजके हरिपद गहिया। बाएं दहिने सारे विकारों को छोड़ दो। यहाँ बाएं दहिने का लाक्षणिक अर्थ है सब तरफ। तर्क हो सकता है बाएं दहिने छोड़ दो आगे पीछे और ऊपर नीचे, तो ये लाक्षणिक है। बाएं दहिने तजु विकारा, सब तरफ से विकारों का परित्याग करो। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, ऐसा ध्यान लगना चाहिए कभी मन में मल न आए। मल का कारण व्यवहार है, नित खुली परिवार समाज संपर्क के लोग सामने आए, आपके मन के अनुसार कुछ नहीं रहा किसी का व्यवहार, आप खौल गए, क्रुद्ध हो गए, कट बोले, विकार कर दिए,
जिसका व्यवहार अनुकूल नहीं हुआ, समय से उसको समझाने की चेष्टा कीजिए। कभी कभी भूल हो जाती, अपने आप आदमी चेत जाता है, कभी नहीं भी समझाना चाहिए। और अगर बारम्बार वो करता है तो समझा देना चाहिए, बस हो गया। लड़ो मत, विवाद कलह का घर है। जिसका विवाद शांत है उसके जीवन में कलह नहीं रहता है। जो बकबक नहीं करता है, कट नहीं बोलता है, दुर्व्यवहार नहीं करता है, उसके जीवन में कलह नहीं रहता है। जिसके जीवन में कलह नहीं रहता है उसके जीवन में शांत रहती है। बाएं दहने तजु विकारा, सब तरफ से विकारों का परित्याग करो, मल विक्षेप आवरण का परित्याग करो। मन का मल वाणी में मल पैदा करता और इंद्रियों के बर्ताव में। मन मैला है तो वाणी कट निकलेगी, अशिष्ट निकलेगी, अमर्यादित निकलेगी। मन जितना खराब है उतना निकलेगी। मन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वाणी और इंद्रियों में, उतने कुकर्म ज़्यादा ऊंचे होंगे और उतने अंत में अपने को जलना और कुछ नहीं। सारा संबंध क्षणिक है। हमारे जीवन में कितने संबंध हुए, कहाँ रहे? कितनी सभाओं में, सोसाइटियों में हम गए, अनुकूलता पाई, प्रतिकूलता पाई, कहाँ है? कितने सत्कार हुए, गाली कहीं मिली, वो सब कहाँ है? कुछ रहने वाला नहीं है। संबंध में जो विक्षुब्ध हो जाता है वो समझदार नहीं है। गंभीर बनो, संबंध में सरल बनो, अपने को संभालो। व्यवहार ही में संभालना है। व्यवहार जो संभाल लेता है उसका अध्यात्म बनता है, और जिसका व्यवहार ठीक नहीं अध्यात्म क्या बनेगा? इसलिए अपने आप को संभालो। बाएं दहने तजु विकारा, सब तरफ से मनोविकारों का त्याग करो, मन के मैल का त्याग करो। मोह वैर द्वेष ईर्षा घृणा कटवचन त्याग करो। निजके हरिपद गहिया, साहब कहते हरिपद निज पद है। हरिपद बाहर नहीं है, हरि विष्णु भगवान कहीं बाहर नहीं है। मैंने बताया कि वेद में हरि का अर्थ है अश, बारंबार हरि आया है। हरि का अर्थ है अश, घोड़ा, और वो अश्व है सूरज की किरण है। आगे चल करके वाल्मीकि रामायण में हरि आया, उसका अर्थ है बानर। हरि विष्णु ये रूप बहुत पीछे आया है, ये तो ईसा के लगभग आया है, और ईसा के बाद इसका विकास हुआ है। बीजक की व्याख्या में इसका मैंने ऐतिहासिक रूप दिया है। शब्द यात्रा करते हैं और अर्थ बदलते जाते हैं। कबीर साहब के जमाने तक हरि विष्णु था जो चतुर्भुज था, और शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम था। और उस हरि को साहब कहते हैं निजपद है हरि, बाहर नहीं है, वो रूपक है। ऐसा विष्णु आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसके चार हाथ हों, खोज डालो पूरी पृथ्वी में, कहीं नहीं मिलेगा। वो हरि सबके घट में बैठा, अपना अपना आत्मा हरि है। बाएं दहने तजु विकारा, निजके हरिपद गहिया, आत्मा ही अपना हरिपद है। किसी ने कहा महाराज इस स्थिति में पहुंच जाने पर क्या दशा होती है, तो साहेब ने कहा कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाए तो पूछने क्या बताएगा, उसके पास जबान तो नहीं है। ये इसमें रहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। हाँ कहा जाता है, वो छाया मात्र रहती है। यहाँ तक कि स्थूल पदार्थों के विषय में बात है, आपको मैंने कोई मिठाई दी और मैंने आपसे पूछा कैसे लगता, आप कहेंगे बहुत बढ़िया लगता है। यानी कैसे लगता, अब कैसे बताऊं कैसे लगता है, इधर कहें मीठी है बढ़िया है, कैसे बताऊं कि कैसे लगता है। वो तो हम भी जब जीभ पर रखें तो पता लगे ऐसे लगता है। तब जब बाहर की चीज़ों को जबान से नहीं बताई जा सकती है तो आध्यात्मिक शांति के विषय में हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं। वैसे आप भी बन जाइए, बस जान जाएंगे। बाएं दहने सारे विकारों को छोड़ दें, निर्विकार हो जाएं तो वो दशा आ जाएगी। बिना निर्विकार हुए ये दशा नहीं आ सकती। ज्ञान झाड़ने से काम नहीं बनेगा। हम बहुत बोल लें, लिख लें, व्याख्या कर लें, सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्रों मंत्रों पदों
सांख्यों शब्दों का विश्लेषण कर लें, इससे दशा नहीं आएगी। ये दशा रहनी में रहने से आएगी, सहने से आएगी। सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, काम वासना को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो। चित्त में ईर्ष्या न उठे, किसी के लिए द्वेष न उठे, किसी के लिए कटुवचन न हो, किसी के लिए दुर्व्यवहार न हो। मन को रात दिन संभालो। जब मन निर्मल होगा तब इस अवस्था में वो दशा आएगी। निर्मल मन हुए बिना कोई हरि में स्थित नहीं हो सकता है, परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता, ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता है, स्वरूप में लीन नहीं हो सकता है। स्वरूप आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, विष्णु, हरि, अल्लाह, गॉड, इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, अंतरात्मा। आपका अपना अंतरात्मा छोड़ करके कोई परमात्मा कभी भी नहीं पा सकते। भटकते रहो, भटकते रहो, तीर्थों में भटकते रहो, सब जगह पत्थर पानी। मैं कहीं गया नहीं। बचपन में जब थोड़ी उम्र बढ़ी थी तो अयोध्या आता जाता था, सरजू में स्नान करता था, बछिया छूता था और हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाता था और राम जन्मभूमि पर आके दस्तखत करता था उंगली से कि भगवान आपके दरवाजे पर आ गया हूँ। बस इतने कर पाता था। 20 वर्ष की उम्र में इधर आ गया, 18 वर्ष की उम्र में कभी साहब विचार मिल गया तो इधर भी आया, तो घूमने की इच्छा मुझे कभी नहीं हुई, कुछ देखने की इच्छा नहीं हुई। जिधर गया तो उधर लोग दिखा दिए तो देख लिया, जब तक नहीं देखा तब तक तो मन में था हाँ कुछ है, जब देखा तो और लगा कि अरे यही है भाई, एक बाजार है, एक साधारण है। कहा द्वारिका गया, एक साधारण बाजार। द्वारिका देश का मंदिर एक छोटा सा शिवालय नुमा, एक काली मूर्ति रखी है, चारों तरफ सफाई भी बढ़िया नहीं है। रामेश्वरम गया, उधर जब भक्त लोग ले गए तो वहाँ भी ले गए दिखाए, रामेश्वरम भी एक छोटी जगह, तो वहाँ भी भगवान नहीं दिखा, द्वारिका में भी भगवान नहीं दिखा। प्रयागराज में तो तीर्थराज में रहता ही हूँ, वहाँ कहीं भगवान नहीं मिला। काशी में वर्षों वर्षों वास किया, भगवान नहीं मिला। कहीं भगवान मिलेगा बाहर से? मिलने वाली चीज़ है, मिलने वाली चीज़ बिछुड़ती है। और मिलेगी कैसे, भगवान कैसे मिलेगा? आपके पास मिलने के साधन कितने हैं सोचिए। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, चाम है, मन है, बस ये छा है। छा के अलावा कुछ नहीं है मिलने का। आँख से रूप मिलेगा, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प, ये सब माया है। गोस्वामी जी ने भी कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जितना देखोगे सुनोगे गुनोगे वो मोह का मूल बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। तो क्या मिलेगा? भगवान कहीं मिलता है? परमात्मा मिलता है? मोक्ष मिलता है? मिलेगा तो छूट जाएगा, मिलता नहीं है और छूटता नहीं, किंतु सदा है ही। जब एक युवक ने मुझसे एकांत में पूछा था, महाराज परमात्मा कब मिलेगा, तो मैंने उससे प्रश्न किया था कि परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। आपकी स्वसत्ता छोड़कर कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। आपकी स्वसत्ता परम सत्ता, ये आत्मसत्ता खुद सेल्फ जो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप बैठा हुआ, जो जागृत अवस्था में अवस्था तरह साक्षी सन। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए, अवस्था तरह साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए, पंचकोश विलक्षण, पांचों कोशों से विलक्षण है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, सभी कोशों से विलक्षण है। ये आत्मा पांच पिटारियों में बंद है। बड़ी पिटारी अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, उससे छोटी पिटारी प्राणमय कोश वायव्य शक्ति हवा का अंश शरीर में है, वो प्राणमय कोश है, और उससे छोटी पिटारी मनोमय कोश, वो मन संकल्पों विकल्पों का समुच्चय, और उससे छोटी सूक्ष्म पिटारी विज्ञानमय कोश जो जानकारियों का बंडल है, और उससे सूक्ष्म छोटी पिटारी आनंदमय कोश जो अनुकूलता में आनंद की अनुभूति होती है।
ज्ञानी पुरुष कहते ये सब पांचों तुम नहीं हो, तुम स्थूल शरीर नहीं हो, और जो सांस 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 आता जाता है ये तुम नहीं हो, और ये जो मन के संकल्प विकल्प और प्रपंच रात दिन याद किया करते हो तुम नहीं हो, और जो बहुत जानकारी का बंडल बटोर रखे हो भी तुम नहीं हो, और जो दुनिया की अनुकूलता में सुख और आनंद की कल्पना होती वो भी तुम नहीं हो। तो साधक तो घबरा जाता है, तब फिर मैं क्या हूँ, क्या मैं शून्य हूँ? आप शून्य नहीं हैं, सब के ज्ञाता हैं, और इन्हीं में उलझ उलझ करके अपने को खोए हैं। अपने को पहचानो। प्रवचन में आपको इशारा दिया जाता है, जगाया जाता है, आप में जागृति आनी चाहिए। प्रवचन में सब समाधान नहीं होता है। प्रवक्ता एक तरफ से बोलता है और वो किसी को प्रश्न करने को वहाँ गुंजाइश नहीं रहती है, प्रश्न भी करे तो तुरंत उत्तर भी संभव नहीं है। प्रवचन में केवल निर्देश होता है, ठोकर दिया जाता है, जगाया जाता है, ध्यान दो। आपको स्वयं भूख लगनी चाहिए, प्रवचन सुने भूख लगे। और जो इस विषय के माहिर हैं ऐसे सज्जनों संतों गुरुजनों से मिलें, उनसे सत्संग करें, चर्चा करें और समझने की चेष्टा करें कि मैं कौन हूँ, किस में फंसा हूँ, क्यों दुखी हूँ। सारी समस्या दुख है, दुख जीव का शत्रु है, कोई जीव दुख नहीं चाहता है, और सब जीव दुख में जल रहे हैं रात दिन। मन का असंतोष सबसे बड़ा दुख है, अपने आसपास के लोगों से असंतोष, अपने शरीर से असंतोष, अपने अंगों से असंतोष। एक ने कहा क्या करें साहब, मेरी आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं। मैंने कहा भाई देखते तो हो, बड़ी आंखें होगी तो बहुत ज़्यादा देख लोगे। आदमी अपने अंगों से असंतुष्ट, गाल मोटे मोटे नहीं हैं, झलकते नहीं हैं, माथा बड़ा नहीं है, डील बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार आदमी अपने शरीर से असंतुष्ट, धन से असंतुष्ट, सम्मान से असंतुष्ट, बूढ़े लोग अपने बाल बच्चों से असंतुष्ट, और ये बूढ़ी देवियाँ अपने बहुओं से असंतुष्ट। चारों तरफ से असंतोष का राज्य है। और असंतोष के मूल में क्या है? हमारा घोर अहंकार, घोर अविद्या, अज्ञान। अपने अहंकार अज्ञान और अविद्या को मिटाए बिना ये असंतोष मिट नहीं सकता है। हम जो मान लेते हैं हमारे असंतोष के कारण दूसरे लोग हैं, यही अज्ञान है। दूसरे की तो जैसी समझ वैसा करता, उसमें क्या करोगे? दूसरे को बदल सकते हो? आप सबके मुंह को पकड़ नहीं सकते हो, अपने मुंह पर संयम कर सकते हो। इसलिए दूसरे को स्वस्थ करने की चेष्टा छोड़ो, अपने को स्वस्थ करो। जो अपने को मांझ ले, अपने को स्वस्थ कर ले, धन्य है। हजारों हजारों पर विजय करने वाला विजयी नहीं है, जो अपने पर विजय कर ले वो महाविजयी है। हजारों पर विजय करने वाला तो अंत में रोता है। कौरव पांडव के युद्ध में युधिष्ठिर विजयी हुए, उसके पश्चात केवल रोना रहा उनका, क्लांत पीड़ित। और अंततः पांचों भाई गले, जिनको मारे वो मरे और जो जीवित रहे वो जलते रहे। विजय कभी शांति नहीं देती है, इसलिए आत्म विजय सबसे बड़ी विजय है। जो अपने मन पर विजय करे, इंद्रियों पर विजय करे, वाणी पर विजय करे, मन कहाँ कहाँ भटकता है देखो, मन को वश में करो। इस पर फिर समय से विचार मन पर किया जाएगा। अपने पर विजय करना विश्व विजय है। मनुष्य का ये अधिकार है और उसमें बल है कि इसी जीवन में सारे दुखों से छूट करके परमानंद में रहे, केवल सुखी सुखी रहे, कोई दुख नहीं। वो अपने को मांझने से होगा। अपने पर कंट्रोल, परहेजगारी, संयम, नियंत्रण। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान भगवान कहने से भक्ति हो गई? बहुत कोई नाम जप जप करके भक्ति हो गई? भक्ति का व्यवहारिक स्वरूप है जीवन की निर्मलता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में जहाँ भक्ति का वर्णन किया है, पूरा ज्ञान और रहनी का विषय हो गया है। खाली कोई मार प्रेम, बहुत प्रेम है हमें अपने भगवान में, मार जपे डाल रहे हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा कि अयोध्या में मैंने प्रवचन सुना कि 27 करोड़ या 28 ऐसे कुछ कहे थे,
शायद 27 करोड़ राम नाम जब कोई करे तो मुक्त हो जाएगा, तो 24 करोड़ राम नाम जब वो कर डाले, फिर उन्होंने छोड़ दिया और कहा महाराज 24 करोड़ जपा और मुक्ति का कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उब गया। मैंने कहा 3 करोड़ और बचा था, कर लेते कौन जाने मुक्ते हो जाते। तो कहे 24 करोड़ जपने पर कुछ नहीं फर्क पड़ा तो 3 करोड़ में क्या होगा। तो ये महिमा डालने वाले महिमा में डाल देते हैं लोगों को। यांत्रिक ढंग से कोई नाम जपते रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है, वैसे कोई नाम कोई मंत्र जपना बुरा नहीं है, अच्छा है। बकवास करने की अपेक्षा कोई नाम मंत्र जपो अच्छा है जिसके पीछे पवित्र भाव है। और जितने नाम और मंत्र हैं सब बराबर ही भी समझ लो, चाहे वो वेद का मंत्र हो, चाहे कुरान की आयत हो, चाहे बाइबिल के वचन हो, चाहे अन्य जगह के हों, सारे वचन बराबर हैं, सारे मंत्र बराबर हैं और सारे नाम बराबर हैं। चाहे राम कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, सब बराबर हैं। जहाँ जिसकी भावना होती वो जपता है, अच्छा है, लेकिन उसकी कसौटी है जीवन की निर्मलता। जीवन निर्मल नहीं है तो क्या जपता है। बाएं दहिने तजो विकारा निजके हरिपद गहिया, साहब कहते बाएं दहिने सारे विकारों को छोड़ दो और निजपद हरिपद है, सुस्वरूप आत्मा परमात्मा है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं जो खुद से खुदा को जुदा बतलाता है, अधूरा गुरु है। सच्चा गुरु वह है जो खुद में खुदा को दिखला दे। वेदांत का वर्णन, कबीर का वर्णन, सूफी संतों का वर्णन, बुद्ध का वर्णन, महावीर स्वामी का वर्णन, सभी महापुरुषों को जो आध्यात्मिक विचार सरणी में चलने वाले हैं, सब अंत में एक स्थान पर आ जाते हैं। आत्मा को छोड़ करके कहीं कोई कुछ पा नहीं सकता है। बाएं दहिने तजु विकारा निजके हरिपद गहिया, निजपद हरिपद है, आत्मा परमात्मा है। और इसमें जो आत्म संतुष्ट हो गया, मन का विकार उसका खत्म हो जाएगा, मन के संकल्प विकल्प उसके शांत हो जाएंगे और गूंगे के गुड़ के समान वो कह नहीं सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। आप भी वैसे कीजिए, करिए, चलिए और आप भी उस आनंद का लाभ लीजिए। तो ज्ञान के क्षेत्र में, जड़ प्रकृति के क्षेत्र में हमें उदार होकर के सोचने की आवश्यकता है। धर्म की पूछ पकड़े बैठे हैं, उसको धर्म मान रहे हैं, पोगा पंथीपन, तमाम अंधविश्वास, तत्व निर्णय, विवेक, विचार, चिंतन, वस्तु विवेक, इस पर जोर डालिए। कारण कार्य की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, विश्व के शाश्वत नियमों पर ध्यान दीजिए और जगत के विषय में जब उसके नियमों को हम ठीक से समझ लेंगे फिर भ्रांति नहीं होगी। और आत्मा को समझें और मनोविकारों को दूर करें। मनोविकारों के दूर करने पर आत्मस्थित होती, आत्मशांति मिलती है, वही जीवन का परम फल है और उसी के लिए हम लोगों का जीवन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।